नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे रेसिपी के नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज हम मूंगफली के हलवे की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चलिए सामग्री देख लेते हैं। मूंगफली, शुगर, दूध, काजू, बादाम, पिस्ता और नारियल। चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो ये हमने गैस पे पैन रख दिया है और गैस ऑन कर देंगे और इसको पैन को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। पैन हमारा गर्म हो गया, इसमें डालेंगे मूंगफली, इसको भून लेंगे मूंगफली को। ये मूंगफली हमारी भून चुकी है, गैस को बंद करेंगे और इसे एक प्लेट पे निकाल देंगे। मूंगफली के सारे छिलके उतार लिए हैं, इसे जार में डाल करके इसे हम पीस लेंगे। ये देखिए, इसको दरदरा पीस लिया है। चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। गैस पे पैन रख दिया है और गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में। इसमें डालेंगे घी, घी हमने 2 चम्मच लिया है। घी गरम हो गया है, इसमें डालेंगे मूंगफली जो हमने पीसा था अभी और इसे भून लेंगे। वैसे तो ये भुनी हुई है, ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा हम इसे भूनेंगे। ये देखिए मूंगफली का पेस्ट हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे नारियल। नारियल का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। अब हम यहीं पे डाल देंगे दूध। अगर आपके पास मावा है तो आप मावा इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे शुगर और इसे थोड़ा गाढ़ा होने तक चलाएंगे। इसी तरीके से गैस को मंद ही रखा है, गैस को तेज नहीं किया है। गैस को तेज कर देंगे ताकि इसे अच्छे से गाढ़ा हो जाए जल्दी। धीमे में टाइम लग रहा था, लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल इसी तरीके से चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे जल जल जाएगा। ये देखिए चारों तरफ से घी छोड़ने लग गया है। ये हलवा बन करके तैयार हो गया है। चलिए हम चलते हैं प्लेटिंग की तरफ।